पहले यही, जिस तरह हमने कॉपर ऑक्साइड लिया तो पहले कार्बन लेंगे और इसके साथ कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये इसके साथ रिएक्ट करेगा कार्बन, जिस तरह वहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ किया था, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे भी कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिस तरह वहाँ पे कॉपर ऑक्से अलग हुआ है, यहाँ पे भी अलग होगा। ऑक्सीजन दो है तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपर टू बन जाएंगे तो ये दो। इस तरह वाटर को यहाँ लिखा था, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लिखेंगे। इसको रिएक्ट किया था कॉपर ऑक्साइड को, अब इसको इसको सी और लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये इससे एक चीज़ बनेगी सी ए सी एस सी ओ सी ओ थ्री थ्री और H2। एच टू। ये जो है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट या वाइट होता है, और ये बिल्कुल वाइट पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी, या इसको एक और नाम भी कहते हैं मिल्की वाइट। अगर ये मिल्की वाइट है तो समझ लो कि कार्ब डिटेक्ट हो गया।